प्यार मिल जाएगा फिर भी कुछ नहीं होने वाला, आइए जानते हैं कैसे। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई लड़की या लड़का आपके साथ रिलेशन में आ भी जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा। आप किसी के पीछे काफ़ी टाइम से चांस मार रहे थे और फाइनली वह आपसे पट जाए तो आप सोचते हो कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली। आपका जो ईगो होता है वह सातवें आसमान पर होता है क्योंकि आप इस चीज़ के लिए पागल हुए थे। लेकिन मेरे दोस्त, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अब आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी रिलेशन बिना फायदे के नहीं बनता, इसमें कोई ना कोई फायदा तो ज़रूर होगा। जरा अपने आसपास ऐसे लड़के लड़कियों को देखें जो रिलेशन में है, एक बात आपको साफ दिख जाएगी कि वे अपनी किसी फंटेसी या अपनी कमी को पूरा करने के लिए रिलेशन में हैं। उन दोनों के बीच प्यार नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, वे बस एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती का प्यार थोप देते हैं और ऐसे एक्टिंग करते हैं कि जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार वही करते होंगे। गलतफहमी वाली दुनिया में जीते हैं ऐसे लोग। किसी को आई लव यू कह देने से प्यार नहीं हो जाता, इट्स ओनली एन अट्रैक्शन। ऐसे लवर्स को आप तब तक देखना जब इनका ब्रेकअप हो जाता है तो ये एक दूसरे को गाली देते फिरते हैं या फिर कोई नया पार्टनर ढूंढते हैं खुद के लिए। तब इनका सो कॉल्ड लव किधर चले जाता है, यह इसलिए है क्योंकि मैंने बताया था वे एक दूसरे की ज़रूरत बने हुए थे, वह चाहे फिजिकली हो या फिर मेंटली। जो लड़का लड़की अपनी लाइफ से खुश हैं और खुद से संतुष्ट हैं वह कभी भी रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। इन चक्करों में वही पड़ते हैं जो खुद को कमज़ोर समझते हैं, खुद को रिलेशन में लाकर अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करते हैं या फिर जो अपने कीमती टाइम को रिलेशन में आकर बर्बाद कर रहे होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सोच बेवकूफ़ों वाली होती है, उनको ऐसा लगता है कि एक रिलेशन में आकर वह सक्सेसफुल हो गए हैं और वह अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब उनका यह सो कॉल्ड लव इनसे दूर चले जाता है तो इनका जितना पुराना रिलेशन जो उन्होंने अपना कीमती टाइम बर्बाद करके पैसा खर्च करके और अपना फोकस देकर इन्वेस्ट किया होता है वह सब मिट्टी में मिल जाता है और फिर अपनी भड़ास निकालने के लिए या उस लड़की लड़के को गालियाँ देंगे या फिर लैला मजनू बन जाएगी। बी अवेयर मेरे दोस्त, बी अवेयर, प्यार होता है, इस दुनिया में भर भर के प्यार है, पर आप प्यार के लिए क्या कीमत चुका रहे हो उसे तो देखो। आपकी माँ आपको प्यार करने के लिए कभी कोई कीमत नहीं लेती होगी। अपने साथी को देखो कि वह आपके साथ क्यों रिलेशन में है, क्या वह आपको प्यार करती या करता है, फिर आपसे लुक्स, बॉडी, पर्सनालिटी, पैसा या आपके नाम को प्यार करते हैं। अगर उससे आपसे प्यार है तो आप लकी हो, पर अगर उसका लव कुछ और चीज़ों से है तो आप फंसे हुए हो। कोई आपके साथ रिलेशन में है तो कुछ नहीं बदलने वाला, और भी वह इंसान आपका माइंड वॉश जरूर कर रहा होगा, आपको अपने हिसाब से चला रहा होगा और आप अपने ज़रूरी काम को छोड़कर इन चीज़ों में लगे होंगे और खुद को बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। थोड़ा स्मार्ट बनो यार, खुद को अपने कहाँ फंसा रखा है। बीइंग ए प्रैक्टिकल गाय, ये लाइफ अपने हिसाब से चलती है मानता हूँ, लेकिन लाइफ में स्टेप तो आप ही को लेना होगा। इधर आप अपने प्यार के खेल में पूरी जान लगाए हुए हो और उधर आपका दोस्त बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी में जान लगाए हुए हैं। कुछ साल बाद आपका ब्रेकअप होकर आप खाली हाथ बैठ जाओगे और वहीं आपका दोस्त वह कंपटीशन पास करके एक बहुत बड़े अच्छे कुर्सी पर बैठा होगा। तब आपको उस पल एहसास होगा कि जिससे आप अभी तक अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहे थे आपकी सबसे बड़ी हार हो गई। दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा प्रयास। आपको अगर यह वीडियोस पसंद आई हो तो नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।